the 20th Asian Men's Club League Championship being held at the Kotla Vijay Bhaskar Reddy Stadium. And this is the match coming up for you, Uzbekistan versus Qatar. And dono teams wahan pe practice kar rahi hai. Lineup hai Rocker Club ki team is prakar se hai. Elmout aur Sardar, Tokiru, Shokru Bekek aur khas karke unke main khiladi hai Jongir Zaripov. Aur ye 18 team list hai Handball League Championship mein. Aur ye Al-Ahli team hai Qatar ki. Mahfouz, Bilal Fantasy, Kumar Adfeta, Farooq Kolo, Mohammed Afid Bazwari, Han Kahi, Fawaz Almoudi, aur coach hai iske Tahar Elias. Ab dono team wahan pe maidan mein utre hain, court mein. But after that exciting first match, which was a draw, ended at 29 all between Al Duhail and Sharjah Club, we are heading into this second match now. अब ये मैच शुरू होने वाला है कतार और उज्बेकिस्तान के बीच में. ग्रीन कलर के ड्रेस पहने हुए उज्बेकिस्तान के प्लेयर्स और व्हाइट ब्लैक में है कतार. और ये शुरू हो चुका है मैच. बॉल फिलहाल कतार के पास, पास बनाने का यहाँ पे प्रयास उनका, लेकिन उतनी ही अच्छी डिफेंस यहाँ पे उज्बेकिस्तान की. कोई मौका नहीं दे रहे हैं यहाँ पे छीनने के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत सुंदर ढंग से छीनते हुए एक गोल बनाया है नंबर टू कतार के बेल फैंटेसी ने. यहाँ पे डिफेंस फॉल था और ये पेनाल्टी 7 मीटर से करने के लिए मौका, जबरदस्त मौका, और बड़े आराम से यहाँ पे करने की कोशिश लेकिन नहीं कर पाए थे. बाउंस हुआ था वहां पे, इस प्रकार से एक जबरदस्त मौका गंवाया. दूसरा मौका था फर्स्ट मिनट में ही यहाँ पे कतार के लिए. अब अटैक उज्बेकिस्तान का और यहाँ गोल बनाते हुए यहाँ पे उज्बेकिस्तान. अच्छी शुरुआत उनके लिए, खाता खोला यहाँ पे कोर क्लब उज्बेकिस्तान ने. अल अहली कतार की टीम, पहला जो मूव था बहुत अच्छा था उनके लिए, लेकिन उसको उन्होंने गंवाया. क्या यहाँ पे उस मोमेंटम को जारी रख पाएंगे इस मूव में, लेकिन उतनी ही अच्छी डिफेंस उज्बेकिस्तान की. उज्बेकिस्तान अटैक पर, बाल उनके पास. ये दूसरा मैच है आज का. जब मूव बनाने का प्रयास जारी रहता है तो खिलाड़ी कैलकुलेटेड खेलते हैं, पासेस देते हुए, ड्रिबलिंग करते हुए. यहाँ पे पास देने की कोशिश और दिया भी, एक और गोल, दूसरा गोल. केवल 2 मिनट 25 सेकंड का खेल खत्म हो चुका है और अच्छी शुरुआत यहाँ पे रॉकर क्लब उज्बेकिस्तान के लिए. अल अहली ने मौका गंवाए. फर्स्ट मिनट में ऐसा लग रहा था कि वे गोल कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इस बार क्रिएशन का प्रयास, पासेस तो दे रहे हैं, लेकिन कन्वर्शन कर पाएंगे क्या गोल बनाने में. यहाँ पे विंगर को मिली पास, लेकिन बैक दिया और मौका, लेकिन ये वेवर थ्रो था, बहुत ज्यादा बाहर. थ्री चांसेस दे हैव गॉट अनिल, बट थ्री दे हैव मफ्ट. दे आर नॉट सेटलिंग इनटू दैट रिदम नाउ. बोथ द टीम्स फर्स्ट मैच फॉर देम ऑन दिस टर्फ इन दिस स्टेडियम. इट्स आल्सो अबाउट गेटिंग यूज्ड टू द प्लेइंग कंडीशंस. अ लवली गोल दैट by Rocker Club Uzbekistan. Turapov, Dilshad Berliman was a free man when he got that ball. Good anticipation and good pass that.
stockily built but very agile. Very agile. His demeanor is quite misleading. Al Ahly, they have the ball. Ah, good block that straight into the legs of the goalkeeper. Quick counter attack this time by Al Ahly. But they stopped the ball. Good interception again. They come back stronger. Holding on to the attacker a bit too long. Again, making himself free to the right, scoring in between the legs of the goalkeeper. Uzbekistan attacking par ball unke paas, acha calculated moves banate hue yahan pe zabardast furtilapan dikha rahe hain wahan pe जैसे नंबर सेवन और डिफेंस को छीनने का प्रयास, छीन भी लिए, गोल भी बनाए, एक और गोल उनके लिए, ये चौथा गोल है और मोमेंटम अच्छा बन रहा है। ये देखिए किस तरह से पेनेट्रेट किया था डिफेंस को और उसके बाद उतनी ही अच्छी थ्रो थी, फिनिशिंग अच्छा था। इस प्रकार से दो गोल्स का डिफरेंस है फिलहाल। 5 मिनट 20 सेकंड का खेल खत्म हो चुका है फर्स्ट हाफ का खेल। अल अहली शुरुआत में काफी आक्रमण उनका रहा लेकिन गोल कन्वर्शन जहां तक बात करें तो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहां पे एक मौका लेकिन गोली ने बहुत सुंदर वहां पे उसको रोक दिया है, सुंदर एफर्ट था। और इस प्रकार से एक और मौका यहां पे खो चुके हैं कतार की टीम। अब बाल रॉकर क्लब के खिलाड़ियों के पास। कॉम्बिनेशन फिलहाल अच्छा चल रहा है, पासेस अच्छे दे रहे हैं, रोक रोक कर और यहां पे जंप करते हुए एक ओराम थ्रो का प्रयास बायां खिलाड़ी का लेकिन उतनी अच्छी डिफेंस। फिर से उन्हीं के पास बॉल, बहुत सुंदर वहां पे दिया था लेकिन लैम्बर्ट सेवन ले नहीं पाए थे वहां पे बॉल को। इस प्रकार से अटैक कतार के पास और बड़े आराम से यहां पर फिनिश किया एक ही अटेम्प्ट में, बहुत तेजी से वहां पे आगे बढ़े और एक ही गोल का डिफरेंस है फिलहाल। बाल फिलहाल कतार के पास, अच्छे पासेस बन रहे हैं लेकिन फिनिशिंग पूर अब तक रह चुकी है लेकिन इस बार कोई मौका नहीं छोड़ा गंवाया। बड़े आराम के साथ गोली के ऊपर से उन्होंने गोल बनाया, काफी समय उनके पास था, काफी आगे आ चुके थे गोली आप देख सकते हैं और उसका उन्होंने फायदा उठाया बहुत सुंदर। 4-4 की बराबरी। उज्बेकिस्तान काफी फास्ट खेलते हुए एक और गोल बनाए, यहां पे कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं लेकिन कतार अब तक 3 अपॉर्चुनिटीज वेस्ट कर चुके हैं। बहुत सुंदर 5-4 स्कोर, ये फर्स्ट हाफ का खेल चल रहा है। बाल कतार के पास, रुक रुक के पासेस अच्छे दे रहे हैं, मोमेंटम भी बनाते हुए यहां पे विंगर को पास मिला लेकिन गोली बहुत सुंदर ढंग से उसको एंटिसिपेट किया, सही पूर्वानुमान था उनका और एक जबरदस्त एफर्ट गोली का। He saved lots of goals, Anil. That was the third one. लेकिन बॉल फॉल होने से 7 मीटर का ये पेनाल्टी, 7 मीटर का डिस्टेंस होता है। एक जबरदस्त मौका और उसका उन्होंने बेनिफिट लिया, भरपूर फायदा उठाया। ये देखिए किस तरह से डिसीव किया था गोली को, वे सोच रहे थे उनके दाएं तरफ आएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उज्बेकिस्तान के पास बॉल, 5-5 स्कोर, कमबैक अच्छा रहा है कतार का डिफेंस में मजबूत होते हुए, कोई मौका नहीं दे रहे हैं फिलहाल अटैकर्स को।
लेकिन यहाँ पे बहुत सुंदर, ओ ये थ्रो वेस्ट हुआ था, बॉल हाथ में आ गई थी। मोहम्मद जिलानी मारी, ही स्टेप्स फॉरवर्ड टू कन्वर्ट दिस अपॉर्चुनिटी एंड इट डस, ही बीट्स द गोलकीपर साडोर विथ ईज, इट्स 6-5। Ahli has gone into the lead for the very first time into this match. Again, happening at a slow pace in contrast to the fast-paced action that we have seen in the first match. Oh, beautifully placed. Brilliantly done. Creating that window of opportunity for himself. When he got that ball, 6-6, Rocker Club equalized. Al Ahli come here, again that pivot, wonderful twist, and what a goal. Rocker Club yet again. Akhom Ali is their playmaker. Akhom Ali gets it back, trying to find the winger. But again, defense stops that move. Rocker Club has the ball. मौका जरूर है अनिल यहाँ पे, और बहुत अच्छा काम अब तक किया है। जैसे नंबर 18 आपने देखा, अहमदोव बाल पे आ तो गए थे लेकिन इस बार कन्वर्ट नहीं कर पाए, और ये पेनाल्टी, जबरदस्त मौका, इसको नहीं गंवाना चाहिए। यहां पे बराबरी हो सकती है। एस हुआ भी बहुत सुंदर ढंग से, बड़े आराम से उन्होंने इस गोल को बनाया, और इस प्रकार से 7-7 की बराबरी। पेनाल्टी को गंवाना नहीं चाहिए। और good man-to-man marking by the Rocker Club. Don't, they are not giving any free spaces. That's an offensive foul. Fourteenth minute of play in progress on Al Ahli. Ah, good ball that. And to the winger, but this goalkeeper. Early man, stout man, but has been impregnable so far. Quick counter this by Uzbekistan's Rocker Club. Almost a thumb twister. Akram Ali, that was with that goal. Look at the contrast of the goalies, Anil. Stockily built one is the Qatar goalie. You know, shuruaat mein momentum unka acha chal raha tha. But having witnessed such a match, you know, such a high adrenaline match to start the day with, it's been going at a very slow pace. Not a snail's pace, but it's a very slow pace. Al Ahli again. Quick interchange of positions. Ah, what a goal that one. Wonderful honey kahi it was to stretch the lead to 2. Look at the strength in the legs here. He gets the ball, cuts across, and right between 2 defenders. Oh, good save that. Good attempt. Good save by the goalkeeper. Al Ahli ki goli, Anil, kehta hai ki bahut hi shandar pradarshan dikha rahe hain.
कहीं गोल से सेव किए, बाल अल अलाई के पास। अच्छा ड्रिबलिंग पासेस यहां पे, लेकिन कन्वर्शन की कमी गोल की। जैसे नंबर 90 उनके पास बाल है फिलहाल, ये लीड है, क्या इसको बरकरार रख पाएंगे, क्या इसको बढ़ा पाएंगे। एक मौका उनके पास, क्योंकि बाल उनके पास है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखा रहे फिलहाल। अच्छा राइट विंगर को पास मिला है, बाल फिर से बैक पास दिया, बहुत सुंदर यहां पे मूवमेंट मूव, लेकिन उतनी ही अच्छी गोलकीपिंग अनिल। वंडरफुल गोलकीपिंग, स्पेक्टाकुलर आउटस्ट्रेच लेग ऑन द काउंटर, रॉक क्लब्स को कलेक्टेड द रीबाउंड, क्विक काउंटर एंड दे सक्सेड, इट्स 10-9, अल अहली फ्रॉम कतार इन द लीड, दे लॉस्ट यस्टरडे टू बहरेन। Oh, good attempt that. Slightly away from the target. Al Ahly come again. Come again with the ball. Oh, on the ground, brought down. मूव बनता हुआ कतार आक्रमण पर, बहुत अच्छा ड्रिबलिंग पासिंग, और यहां विंगर को मिला है, क्या वे खुद जाएंगे गोल बनाने के लिए। उन्होंने बैक पास दिया, ओ बहुत सुंदर डिफेंस, लेकिन वहां पे फाउल, रेफरी का कहना है कि डिफेंस में ये फाउल था, और ये थ्रो इन मिलेगा फिर से कतार को। कतार बाल उनके पास, आक्रमण, अच्छा मूव और अच्छा पास, और खुद वहां पे बड़े आराम से दाएं तरफ थ्रो करते हुए इस गोल को बना दिया। एक और गोल खतार के लिए, लेकिन काउंटर अटैक में सफलता हासिल की यहां पे जैसे नंबर 15 ने, बहुत ही सुंदर प्रदर्शन, काउंटर अटैक था उनका और उन्होंने गोल बनाया यहां पे रकमत जॉन ने, और इस प्रकार से 10-11 स्कोर, सुंदर काउंटर अटैक। बाल फिर से कतार के पास, ये दूसरा मैच है आज का, कतार ऑन द अटैक, लेकिन कन्वर्शन की कमी। विंगर को बॉल मिली और बहुत सुंदर बाएं हाथ से उन्होंने ये थ्रो करते हुए गोल को बना दिया। इस प्रकार से फिर से 2 गोल के लीड, राइट विंगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कतार के। उज्बेकिस्तान थोड़ा सा प्रेशर में आ गए, 2 गोल से पीछे है फिलहाल, क्योंकि फर्स्ट हाफ में 6 मिनट का खेल बचा है। अब मैं अनिल के स्थान पर कमेंटेटर्स की महारानी नीति को मैं आमंत्रित करता हूं। नीति खुद एक खिलाड़ी हैं और एज ए कमेंटेटर भी धूम मचा रही है कई सालों से। एक जबरदस्त मुकाबला चला था फर्स्ट मैच, यहाँ पे थोड़ा सा स्लो पेस्ड जरूर है, लेकिन फिलहाल अलहाई के पास 3 गोल का लीड है, उसको बरकरार रखना चाहिए क्योंकि 5 मिनट का खेल बचा है फर्स्ट हाफ में। पहले तो थैंक यू सो मच सुधीर इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स के लिए, और यहाँ पर ये मैच जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये मैच भी पहले मैच की तरह इतना हाई एड्रेनलिन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा लो स्कोरिंग है, और उज़्बेकिस्तान की जो टीम है RKOR क्लब इस समय जो है 2 गोल से पिछड़ रही है,
और अल आली जो कि कतर से है, इस टीम ने अल आली की अगर हम बात करें सुधीर, डे वन के एक्शन में इन्होंने जब अपना ओपनिंग एनकाउंटर खेला था तो इनको हार का सामना करना पड़ा था बहरीन की अल नजमा के हाथों, जो बहुत बड़ा उलटफेर हुआ था डे वन में, क्योंकि कतर से यहाँ पे उम्मीदें ये जताई जा रही है कि कतर जो है वो सबसे डोमिनेटिंग टीम है, ना केवल इस जोन में बल्कि एशियन चैंपियनशिप, इससे पहले जितनी भी बार क्लब लीग खेली गई है हर बार कतर की टीम ने डोमिनेट किया है। Yes, sir, they are fielding two in this particular championship, Niti. But the main team is not here. Yes. The champion team, Qatar, of course, dominate this sport in Asia. And the ball is with the Uzbekistan. They get a penalty, then 7 meter distance. But the goalie has done a fantastic job here. Again, what a stop that was, Niti. थोड़ा सा कमजोर है जहां तक उज्बेकिस्तान की गोली की अगर बात करें। शुरुआत में बहुत अच्छी गोली गोलकीपिंग की थी उन्होंने, लेकिन अब थोड़ा सा उनका मोमेंटम मेरे ख्याल से चूक गया ऐसा लग रहा है। और अटैक पर उज्बेकिस्तान, लेकिन पर्वत जैसा वहां पे कतार की गोली, और तब तक सही पूर्वानुमान गोली का बॉल को रोक दिया। अब अटैक कतार के पास, काउंटर अटैक, यहाँ पे विंगर को बॉल मिली और बड़े आराम से उन्होंने इस गोल को बना दिया। मौका नहीं चूक रहे हैं कतार के खिलाड़ी फिलहाल, जो शुरुआत में जो मिस्टेक्स कर रहे थे वो अब नहीं कर रहे हैं। पासिंग अच्छी हो रही है, ड्रिबलिंग अच्छी हो रही है, और फिनिशिंग में भी सुंदर काम यहाँ पर करते हुए कतार के खिलाड़ी, और चार गोल का उनके पास लीड, और बहुत ही सुंदर अब्दुल खदीर मोहम्मद, जिन्होंने शानदार काम किया था एज ए पिवोट, उनको रोक पाएंगे कतार की डिफेंस, ये देखना होगा। अब एक पास का प्रयास यहाँ पे चल रहा है, बहुत अच्छा बैक प्रोसेस देते हुए, अब ये मौका उनके लिए, और इसको नहीं गंवाए इस बार, बहुत ही अच्छा वहां पे इस अटैक को जारी रखा और गोल बनाया। और खतार पाल उनके पास, तीन गोल का अभी भी डिफरेंस है। अच्छा रिदम बन रहा है, यहाँ पे विंगर को दे नहीं पाए थे, बात पास मिला यहाँ पे पिवोट को, एक मौका और बहुत ही सुंदर ढंग से उसको फिनिश किया है। और कतार की टीम, अल्लाह कतार की टीम, और काउंटर अटैक का प्रयास उज्बेकिस्तान फिलहाल, क्योंकि उनको लीड कम करना होगा। फर्स्ट हाफ अब खत्म होने में केवल 2 मिनट का खेल बचा है, अब उज्बेकिस्तान क्या सबसे पहले इस लीड को कम कर पाएगी, वही एक सवाल। थोड़ा स्लो हो गए उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी, शुरुआत में जो फुर्तीलापन दिखा रहे थे वो अब नहीं दिख रहा है। और अब बहुत अच्छा विंगर को पास मिला, बैक पास दिया, और ये मौका सुंदर ढंग से फिनिश किया, जिनकी बात हम कर रहे थे अब्दुल खदीर की, नीति दिलशाद तुर्को इस बार कन्वर्ट किया उन्होंने, एक ब्यूटीफुल असिस्ट उनको वहां पर मिला था, और उसके बाद ये कन्वर्जन 16-13 का स्कोर। उज्बेकिस्तान अभी भी 3 गोल से पिछड़ रही है, और इस फर्स्ट हाफ के खेल में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं, 2 मिनट बाकी हैं, और क्या बराबरी पर आएगा उज्बेकिस्तान, कोई मौका नहीं इस बार भी। यहां पे 17-13 का स्कोर, 14 गोल्स उज्बेकिस्तान के समय 14 गोल्स हो चुके हैं, और अभी भी लगातार 3 गोल्स। एक बार फिर अल आहली 4 गोल्स की एडवांटेज उन्होंने बना ली है अल आहली के लिए, फतनासी ने ये गोल किया। एक बार फिर वही तरीका, जो सपोर्ट सिस्टम है कतर टीम का वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो अपने विंगर्स को, अपने अटैकर्स को पूरी तरह से फीड कर रहे हैं, और जिससे उनको आसानी हो रही है कन्वर्ट करने में। वहीं उज्बेकिस्तान ने बैक टू बैक अपने गोल्स मिस किए हैं। एक बार फिर अटैक के लिए कतर, लॉन्ग पास, लॉन्ग लेटरल पास के साथ में रिबाउंड लिया गोलकीपर से, हाथ से टच होके बॉल वापस आई, रिबाउंड कलेक्ट किया और फिर कन्वर्जन, लेकिन ये कोई कन्वर्जन नहीं। इसी के साथ पहले हाफ की समाप्ति, 18-14 के स्कोर के साथ अल अहली इस फर्स्ट हाफ में 4 पॉइंट्स के गोल एडवांटेज के साथ इस फर्स्ट हाफ को उन्होंने समाप्त किया है।
दूसरा ऑफ अब शुरू होने वाला है। थ्रोप ऑफ दिल शॉट बॉल के साथ, अब सभी इंतजार कर रहे हैं सेकंड हाफ के लिए। ये सेकंड हाफ अब शुरू हो चुका है, बॉल फिलहाल उज्बेकिस्तान के पास। उज्बेकिस्तान के ऊपर प्रेशर जरूर रहेगा और अच्छे पासेस उनको देने होंगे, अच्छे मूव्स बनाने होंगे कमबैक के लिए, लीड को सबसे पहले फिलअप करने के लिए। और यहाँ पे तुरपाव दिलशाद बाल उनके पास, लेकिन ये बैक पास दिया और गोली, जैसे कि हम कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं अल अलाई के, और बाल अल अलाई के पास पहली बार सेकंड हाफ में। बायां के राइट विंगर जंप करते हुए गोल करने का उनका प्रयास, लेकिन चूक गए थे और काउंटर अटैक का प्रयास यहाँ पे। ओह, इजी लॉब, बस इसी टैक्टिकल प्ले की जरूरत है उज्बेकिस्तान को, उज्बेकिस्तान के लिए। शॉट नंबर 5 डैवरोनोव ने ये गोल किया लेफ्ट विंग से। एक बार फिर मौका उज्बेकिस्तान के लिए, फास्ट ब्रेक के साथ ये कन्वर्जन जरूर होगा। जी हाँ, ये कन्वर्जन भी उज्बेकिस्तान के लिए। रकमदोन युल्दाशेव जो है तेजी से आगे गए और ये गोल कन्वर्ट कर लिया। अब सिर्फ 2 गोल का डिफरेंस है इस सेकेंड हाफ में। काफ़ी स्ट्रॉन्गली एंटर किया है, जिसमें यानी कि कन्वर्जन रेशियो जो है वो उज्बेकिस्तान का बेटर है इस हाफ की शुरुआत में। वही काम करना होगा, सबसे पहले वो जो लीड है उसको फिलअप करना होगा और वही कर रहे हैं। लेकिन इस बार गोली ने रोकने की कोशिश, सेकंड हाफ में थोड़ा सा खेल का रुख बदल गया है। नीति फास्ट पेस्ट चल रहा है और वहां पे बाहर ये थ्रो था और इस प्रकार से अभी भी 3 गोल का लीड है, 17-20 स्कोर। सेकंड हाफ का खेल चल रहा है, 3 मिनट का खेल खत्म हो चुका है सेकंड हाफ में। उज्बेकिस्तान के पास बाल, उज्बेकिस्तान क्या अच्छे मूव्स बना पाएंगे इस सेकंड हाफ में। फिलहाल तो अटैकिंग कर रहे हैं, आक्रमण उनकी जारी है, लेकिन वही बात, गोल कन्वर्शन नहीं कर पा रहे हैं। और काफ़ी कुछ निर्भर करेगा तुरपाव दिलशाद के ऊपर, जिन्होंने शानदार काम किया था रॉकर क्लब उज्बेकिस्तान के लिए फर्स्ट हाफ में। और ये पेनाल्टी, और सुंदर ढंग से वहां पे गोली ने रोक दिया, जैसे कि उनके बारे में हम कहते आए हैं अल अलाई की खतार के गोली, हालांकि उनकी थाई को लगी थी। और वहां पे रिकोशे हो गई, बॉल रिबाउंड हो गया और इस प्रकार से ये मौका गंवाया उज्बेकिस्तान ने लीड कम करने के लिए। बहुत ही सुंदर सुनहरा मौका था उनके पास, बाल अल अलाई खतार के पास। स्ट्रैटेजी उनका बदल गया है, रुक रुक के आराम से खेल रहे हैं, क्योंकि 3 गोल का डिफरेंस उनके पास लीड है। और इस बार ये आक्रमण में सफलता हासिल नहीं की। जेसी नंबर 17 काफ़ी आगे तो पहुंच चुके थे, अमीर बाल उनके पास था, लेकिन डिफेंस को पेनेट्रेट करने के बावजूद वे गोल नहीं बना पाए। और ये थ्रो इन, और इस बार 17 ने फिर से एक बार जंप करते हुए गोल करने का प्रयास किया और लगातार दूसरा अपॉर्चुनिटी उनके लिए, और 2 बार वे बाहर थ्रो किए थे उज्बेकिस्तान। अभी भी उतनी अटैकिंग नहीं कर पा रही है, इस बार प्रयास जरूर, लेकिन गोली को यहां पे रोकना मुश्किल हो रहा है उनको। काउंटर अटैक का प्रयास, अलहलाई खतार, बहुत सुंदर बॉल तो लिया लेकिन सीधा गोली के हाथ में ये बॉल। 17-20 ये सेकंड हाफ का खेल चल रहा है, लगभग 7 मिनट का खेल खत्म हो चुका है। नीति, 7वें मिनट में ये सेकेंड हाफ एंटर हो रहा है और अभी भी अल अहली के पास में है 3 गोल्स की एडवांटेज। ये मौका उनके पास अटैक करने का, बॉल को रोटेट करके अंदर आने की कोशिश। 6-0 के डिफेंस के साथ उज्बेकिस्तान, सारे के सारे डिफेंडर्स जो है वो पेरिमीटर के अंदर, और ये गोल कन्वर्जन इस बार राइट विंग से बाउंस पास के जरिए। ये कन्वर्जन
अल अहली के शर्ट नंबर 8 ने ये कन्वर्ट किया, मोहम्मद हफीद बजावी बाउंस करके गोलकीपर को डॉच किया और गोल अपने नाम। 21-17 का स्कोर, 7 मिनट समाप्त इस सेकेंड हाफ में। 18-14 के गोल्स के साथ, 18-14 के स्कोर के साथ दोनों टीम्स ने इस सेकेंड हाफ में एंटर किया था और इस समय दोनों ही टीम्स अब तक 3-3 गोल्स दाग चुकी हैं, यानी इस 7.5 मिनट्स में 6 गोल्स अब तक जो है देखने को मिले हैं। एक बार फिर कतर की अल अहली के लिए मौका है अटैक का, बॉल के साथ मोहम्मद हफीद बजावी, रोटेट करते हुए इब्राहिम इबाद, आमिर डेंगूर जो कि लेफ्ट बैक है, सेंटर से अटैक करेंगे लेकिन गोलकीपर के सीधा हाथों में ब्यूटीफुल वहां पे ब्लॉक किए हैं बैक टू बैक। ये शानदार प्रदर्शन है उज़्बेकिस्तान के गोलकीपर ने, जबरदस्त 2 गोल बचाए। पहले गोल बचाया, सीधा अटैक था, उसके बाद दोबारा उन पर अटैक हुआ। तारीफ करनी होगी उज़्बेकिस्तान के गोलकीपर की। वेव बनाकर अंदर आने की कोशिश इस बार उज़्बेकिस्तान की, ब्यूटीफुल कन्वर्जन, शानदार अंडरस्टैंडिंग, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस जो है गेम का वो वहां पर दिखाया है और उसके बाद ये जंप शॉट राइट विंग से। युल्दाशेव जो है राइट विंग से कन्वर्ट करने में सफल हुए। 21-18 का स्कोर, 9 मिनट समाप्त होने वाले हैं इस सेकेंड हाफ में। एक बार दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे क्योंकि ये सीधा गोल पोस्ट पर अटैक, सारा अग्रेशन सीधा गोल पोस्ट पर, क्योंकि जब आपकी टीम 2 बार गोलकीपर पर अटैक करे, टैक्टिकल प्ले, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस लौट कर आया है इनके चेहरों पर क्योंकि उनके गोलकीपर ने 2 जबरदस्त जो गोल रोके थे उससे पूरी टीम का मोराल अप हो गया है। 11.5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक मिला है तो कहीं ना कहीं अटैक के लिए आसान होगा आगे जाना क्योंकि आपको मौका मिला है थोड़ा सा और बैलेंस होने का। अंदर आने की कोशिश, 2-on-1 का डिफेंस, जी हाँ, जब ऐसे मौके मिलते हैं तो आप उनको यूटिलाइज अवश्य करें और वही करती भी इस समय कतर की टीम, अपने हर एक मौके को कन्वर्ट कर रही है। कतर के लिए आमिर डेंगूर इस बार लेफ्ट विंग से कामयाब हुए, राइट विंग से लीड अभी भी उन्हीं के पास है, अल अहली खतार के पास 3 गोल का लीड है। रोका क्लब उज़्बेकिस्तान थोड़ा सा दबाव में है सेकंड हाफ में भी क्योंकि 3 गोल से पिछड़ते हुए फिलहाल, और यहां पे प्रयास और उसको बड़ी खूबी से फिर से फिनिश किया। जंप शॉट इस बार उज़्बेकिस्तान का, अभी भी 2 गोल से पिछड़ती हुई, और सुधीर जो स्कोर लाइन है चिंता का विषय बिल्कुल नहीं है उज़्बेकिस्तान के लिए क्योंकि ये खेल ऐसा है कि किसी भी क्षण कुछ भी बदलाव देखने को मिल सकता है। ये वही टीम है कतर की अल अहली जिन्होंने कल अपना पहला मुकाबला गवा दिया था, ये जानते हुए भी कि ओपोनेंट उनसे बेहतर नहीं थे। आमिर डेंगूर इस बार भी कामयाब हुए गोल करने में, 25-22 का स्कोर। तो ऐसा लगता है कि कतर को जितनी जरूरत है लीड बनाने की उससे कहीं ज्यादा जरूरत उनको लीड मेंटेन करने की है क्योंकि ये जो मैच है अब अपने लास्ट फेज में एंटर कर रहा है। 13 मिनट हो चुके हैं और पहला हाफ का खेल खेला जा चुका है तो जो भी स्ट्रैटेजीज करनी होंगी बस इन्हीं 20 मिनटों में अप्लाई करनी होगी। दोनों टीम्स ने काफी फास्ट पेस्ड खेल खेला है और एक और गोल खतार के लिए जैसे नंबर 17 अल अहली के शानदार प्रदर्शन, आमिर डेंगूर फिर से बहुत ही अच्छा उनका पूर्वानुमान रहता है और बड़े आराम से फिर से गोल किया उन्होंने, उसमें उस असिस्ट का बहुत महत्वपूर्ण रोल था जो उनको किया गया। और ऐसे स्पोर्ट्स में जहां पे पासिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बॉल पोजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है,
वो सपोर्ट जो है वो साफ नजर आ रहा है अब कतर में। जब इस हाफ की शुरुआत हुई थी थोड़े से डगमगाए हुए थे, लेकिन अब जो है धीरे धीरे सेटल हो रहे हैं सेकेंड हाफ में भी। फर्स्ट हाफ में 4 गोल्स के एडवांटेज के साथ उन्होंने समाप्ति की थी। डेंग्यूर इस बार बॉल के साथ अंदर आने की कोशिश, फिर से एक असिस्ट, नो कन्वर्जन, चार्ज करना चाहते थे। 2 मिनट का सस्पेंशन, डिफेंसिव फाउल, और उज्बेकिस्तान के शर्ट नंबर 10 दिलशाद तुरपोह। सुधीर आपने बहुत बार इनका नाम ले दिया, इनको बाहर बिठाना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने काफी अच्छा काम किया है अपनी टीम के लिए, रॉकर क्लब के लिए। फर्स्ट हाफ में भी यू नो बल्क ऑफ स्कोरिंग उन्हीं का था, और हालांकि थोड़ा हेविली बिल्ट है लेकिन बहुत अच्छा फुर्तीलापन होता है उनका, मूवमेंट अच्छा होता है, पूर्वानुमान सही रहता है। यहाँ पे एक पेनाल्टी और बड़े आराम से गोल यहाँ पे बनाया है जैसे नंबर 19 मोहम्मद जिलानी मारिफ ने, और लीड बढ़ रहा है अल अलाही खतार का। अल अहली जो है इस समय भी 4 गोल्स की एडवांटेज पर। उज़्बेकिस्तान ये कन्वर्जन, पेरिमीटर के बाहर से ही उन्होंने ये अटेम्प्ट लिया। तेजी से आए करारा जवाब ये उज़्बेकिस्तान के लिए। क्या ये कन्वर्जन हुआ है? जी हाँ, स्कोर बोर्ड में चेंज 28-24। एक बार फिर 4 गोल। सुधीर ऐसा लगता है कि अब पकड़ी है रिदम इस खेल ने, इस मैच में पेस, जिस चीज की हम बार बार बात करते हैं कि हैंडबॉल के खेल में पेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही स्पीडी स्पोर्ट्स है। अब लग रहा है जब बैक टू बैक एक छोर से दूसरे छोर पर लगातार गोल पड़ रहे हैं, मोमेंटम जो है पूरी तरह से शिफ्ट हो गया है। दोनों टीम्स अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं नीति, और वही करना चाहिए। और सबसे पहले रॉक क्लब को लीड को कम करना होगा, अभी भी 3 गोल से पिछड़ रहे हैं। लेकिन खतार बहुत ही कैलकुलेटेड गेम खेल रही है, उनको मालूम है कि वो लीड को उनको बचाना है। और पास अच्छा मिला लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए, पायर को लगी थी गोली के, और इस प्रकार से एक मौका गंवाया अल अलाही खतार ने। लेकिन एक क्या ये पेनाल्टी लग रहा है क्योंकि फाउल था, और सुनहरा मौका लीड को और बढ़ाने के लिए। जैसे नंबर 19 तैयार हो रहे हैं मोहम्मद जिलानी, काफी अच्छा काम किया उन्होंने। मोहम्मद जिलानी की ये दूसरी कन्वर्जन, दूसरी बार उनको पेनल्टी का मौका मिला और ये 2 बार उन्होंने गोल अपने नाम कर लिए। मोहम्मद जिलानी गोल पोस्ट के राइट कॉर्नर पर उन्होंने ये अटेम्प्ट लिया। वेव बनाने की कोशिश में उज़्बेकिस्तान की कोर क्लब, इस समय 4 गोल से अभी भी पीछे है। अटेम्प्ट लेंगे, जी हाँ, डॉच किया, ये है टैक्टिकल प्ले। वापस आ गए हैं तुरपोव, दिलशाद स्ट्रेट लाइन में अटेम्प्ट किया। सुधीर आप इन्हें मिस कर रहे थे ना, आप मिस नहीं करेंगे। वो गोल के साथ वापस आए हैं नीति, आप भूल गए बताना आते ही गोल बनाया उसने, अपना करिश्मा उन्होंने दिखाया फिर से। तो कितना महत्वपूर्ण खिलाड़ी है अपने टीम में, और उनको रोकना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे खतार के अल अलाही टीम के मेंबर्स के लिए। सुधीर मुझे लगता है कि आप फैन हो गए तुरुकोव दिशोद के, और अगर आप इतनी तारीफ उनकी लगातार करते रहे तो उज़्बेकिस्तान जो है भारी पड़ेगी अल अलाही पे। खिलाड़ी भारी शरीर के हैं लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे विंगर के लिए बाल मिला और धीरे धीरे अंडर आर्म थ्रो था ये, और इस प्रकार से एक और गोल अल अलाही खतार के लिए। काउंटर अटैक, ओ चूक गए वहां पे, हाथ में बाल थी, ये खतार का खिलाड़ी का था, और उसके बाद काउंटर अटैक में मिस किया था रॉकर क्लब के खिलाड़ी ने। दोस्तों तो जो कि गोलकीपर है कतर के अल अहली क्लब के, अल अहली अब अटैक पर, उनको लीड मेंटेन करना है, यहां बढ़ा भी सकते हैं, आक्रमण जारी है, पासेस अच्छे दे रहे हैं, बैक पास मिला
और 17 काफी खतरनाक है, और यहाँ पे लेफ्ट विंगर के पास बॉल मिल तो गया था लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए, चूक गए। 2 मिनट का सस्पेंशन, क्या ये ऑफेंसिव फाउल है? ये डिफेंसिव फाउल, ऑफेंसिव फाउल यहां पर लेफ्ट विंगर हसन गुमा। रॉक क्लब उज्बेकिस्तान, उनको अटैकिंग गेम खेलना होगा क्योंकि अभी भी 4 गोल से पिछड़ रहे हैं, मूव्स अच्छे बनने होंगे उनके, पासेस देना चाहिए फिलहाल तो, और चीरते हुए यहाँ पे डिफेंस को गोल बनाने का प्रयास, लेकिन उतनी ही अच्छी गोल कीपिंग। डॉस सैंटोस हाली के गोलकीपर माइक डॉस सैंटोस, 2 बार उन्होंने गोल बचाए हैं, लेकिन क्या वो इस पेनल्टी को बचा पाएंगे? उज़्बेकिस्तान के लिए पेनल्टी लेंगे ज़ोकीद, पेनल्टी लाइन पर ज़ोकीद और डॉस सैंटोस गोलकीपिंग पर। कोशिश अच्छी थी डॉस सैंटोस की, रिफ्लेक्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए पेनल्टी को रोकने के लिए, रिएक्शन स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप पर जब अटैक हो रहा है उसको आप रीड कैसे करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सुधीर, क्योंकि डिस्टेंस भी सिर्फ 7 मीटर का होता है नीति, और वो भी मायना करता है इसमें। अल अहली खतार, उनको मालूम है कि लीड को सिर्फ बचाना है, 4 गोल का लीड है, वही काम कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बदल गई है, धीरे धीरे खेल रहे हैं। यहाँ पे विंगर को पास मिली और बड़े आराम से उन्होंने अपने काम को पूरा किया, एक और गोल, बढ़ गया लीड। धीरे धीरे यहाँ पर कतर की अल अहली अपना अपनी पकड़ को और मजबूत कर रहे हैं इस मैच में। 32-27 का स्कोर है, सेकेंड हाफ इस समय चल रहा है और 20 मिनट खत्म होने वाले हैं इस सेकेंड हाफ में, तो सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। और सुधीर, जब ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं तो आपको जो आखिरी फेज होता है किसी भी मैच का, उसमें आपको ऑल आउट जाने की जरूरत होती है, तो ये 10 मिनट जो रोल बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेंगे दोनों ही टीम्स के लिए, दोनों को ही ऑल आउट जाना होगा, एक को लीड बचानी है और एक को लीड डिफरेंस कवर करना है और फिर आगे निकलने की कोशिश। यहाँ पे अल अहली खतार को संभाल के खेलना होगा क्योंकि लीड उनके पास है, तो इतना ऑल आउट जाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि उनको सिर्फ लीड बचाना है और इसीलिए उन्होंने स्ट्रेटेजी बदल डाली है। पिछले 2 मिनट में आपने देखा धीरे धीरे बॉस पासेस दे रहे हैं और समय किल करना उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, वही काम कर रहे हैं फिलहाल नीति। ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी कि उन्होंने गेम के पेस को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया है। लीजिए यहाँ पर सस्पेंशन, एक और डिफेंसिव फाउल और उज्बेकिस्तान के शर्ट नंबर 6 जो है मैदान से बाहर, उज्बेकिस्तान के कोर क्लब से ज़ारिपोव जो है वो कोर्ट से बाहर है। 5 मैन के साथ अटैक करेगी उज्बेकिस्तान। फाइव मैन जी नहीं, यहाँ पे एक खिलाड़ी के 2 मिनट का सस्पेंशन खत्म हो गया है। कतर जो है यहाँ पर टाइम आउट कॉल क्या है, उज्बेकिस्तान के कोच ने यहाँ पर टाइम आउट कॉल किया है। उज्बेकिस्तान के जो हेड कोच हैं वो है इक्रमोव उलुगबेक और असिस्टेंट कोच है एजिमोव जाफर। सुधीर, यही टाइम होता है खासतौर पे हैंडबॉल के मैच में जब आप अपने टाइम आउट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, आपको पता है कि ओपोनेंट के पास में बढ़त है और मैच के आखिरी 10 मिनट बचे हैं, तो यहाँ पर कोच की सारी स्ट्रैटेजीज काम करेंगी, चाहे वो सब्स्टिट्यूशंस को लेकर हो अटैक के दौरान या डिफेंस के दौरान या फिर टाइम आउट्स को लेकर। नीति, ये बताइए कि आप खुद एक खिलाड़ी रह चुके हैं और ऐसे समय कोचेस किस तरह के मतलब नसीहत एग्जाम्पल्स देते हैं? सुधीर, कोचेस ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। कोचेस तो
मेरे ख्याल से कतर के कोच यही समझा रहे होंगे कि बस लीड आप मेंटेन कीजिए, इसी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखिए। वहीं उज़्बेकिस्तान के कोच ने उनको ये बोला होगा कि आपको जितना भी है इस खेल में, खासतौर पे जहाँ पे पोजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप बॉल का पोजेशन बनाए रखें, ओपोनेंट को मौका नहीं दे, उनके डिफेंस को तोड़े, उनके ऑफेंस को रोके, यही एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी हो सकती है आखिरी के 10 मिनट में जाने के लिए। और स्पेशली अगर मैं कोच होती तो ऐसे सिचुएशन में शायद मैं कोर्ट पर उतरने का मुझे लगता है शायद कोर्ट पर चले जाऊं और परफॉर्म करना शुरू कर दूं, क्योंकि कोच जो है जितना खिलाड़ी मैदान के अंदर खेलता है उससे कहीं ज़्यादा कोचेस जो हैं वो मैदान के बाहर खेल रहे होते हैं। इसलिए कोचेस का, और गोली की बात करें तो काफ़ी लंबे खत के खिलाड़ी हैं और वो फ़र्क वहाँ पर नज़र आया नीति। ये पेनल्टी, और इस बार मौका नहीं छोड़े, गोल बनाए, थोड़ा सा कम कर दिया यहाँ पे लीड को, अभी भी काफी लीड है अल अहली खतार के पास। ज़ोकीत जो है ये कन्वर्ट करने में सफल हुए थे, राइट की तरफ डॉच किया और फिर उसके बाद लेफ्ट की तरफ कन्वर्जन। वे बनाने की कोशिश, और जैसा कि हम दर्शकों को बहुत बार ये बता चुके हैं कि वेरिएशंस होती हैं डिफेंस में, काफ़ी फॉर्मेशंस होती हैं, 5-1 का डिफेंस, 6-0 का डिफेंस, 4-2 या फिर 3-3, जबकि ऐसे ही वेरिएशंस जो हैं वो ऑफेंस के दौरान भी देखने को मिलते हैं, जब खिलाड़ी सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं फर्स्ट वेव का, अगर उनका फर्स्ट वेव वर्कआउट नहीं करता तो वो जाते हैं सेकेंड वेव के लिए, और जब बहुत ही फास्ट पेस खेल होता है हैंडबॉल में, जब बहुत ही ज़्यादा स्पीड से उनको खेलना चाहिए, तो तब वो सेकेंड वेव में जब कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तब वो जाते हैं थर्ड वेव के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये स्पोर्ट, भारत के लिए नया है सुधीर, और जब आपके नेशन में इतनी बड़ी चैम्पियनशिप या फिर लीग जब आपके देश में आती है तो वो काफ़ी कुछ सिखा कर आपको जाती है। हैंडबॉल का कल्चर यहाँ पर आएगा और जितने भी खिलाड़ी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको तो मोटिवेशन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो लोग इनको देख रहे हैं उनको भी इस खेल की तरफ बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा जरूर। और अटैक करने का मौका लेकिन चूक गए खतार के पास, अल अहली खतार के पास ही बॉल, लीड बढ़ाने के लिए प्रयास। जैसे नंबर 17, इनको रोकना मुश्किल हो रहा है, एक और गोल उन्होंने बना दिया और 7 गोल का डिफरेंस, अब दबाव ज्यादा रहेगा रॉकर क्लब के ऊपर। नीति, 7 मिनट और 7 गोल्स का डिफरेंस उज़्बेकिस्तान के लिए, मुश्किलें बहुत बड़ी हैं। सेकेंड हाफ में काफ़ी अच्छी वापसी उन्होंने की थी शुरुआत में, लेकिन ओह ऐसा लगता है कि भाग्य भी साथ नहीं दे रहा इस समय। ये एक अच्छा टैक्टिकल मूव था लेकिन उसके बावजूद सफल नहीं हो पाए, पोस्ट ने रिजेक्ट कर दिया ऐसा लगता है बॉल को। अंडर आर्म थ्रो था उनका, लेकिन इस बार बॉल तेजी से गए। जैसे नंबर 20 गोल बनाए मोहम्मद अली, एक और गोल अल अहली खतार के लिए, पास सही मिला और उस मौके को उन्होंने नहीं छोड़ा। सुधीर आपने बोला था ना कि कोचेस किस तरह से खेलते हैं, कोचेस इस तरह से खेलते हैं कि अब जब आपको मालूम है आपके पास एक अच्छी खासी बढ़त है, उन्होंने अपने बेंच को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है, और ये जो पहला गोल है सेकेंड हाफ में वो बेंच से आया है। शर्ट नंबर 20 जिन्होंने ये गोल किया था वो अभी अभी बेंच से अंदर आए हैं और अपनी टीम के लिए लेफ्ट विंग पर खेल रहे हैं, और क्या नाम रखा है उनका उन्होंने, मोहम्मद अली, शानदार काम किया। यहाँ पे अटैकिंग करना होगा रॉकर को लेकिन करने नहीं दे रहे हैं अल अहली खतार के डिफेंडर्स, बहुत ज़बरदस्त मजबूत डिफेंस उनकी, और अंदर आने नहीं दे रहे हैं खिलाड़ियों को, और उनको सिर्फ यहाँ पे समय को किल करना होगा। ये देखिए, ये प्रयास बहुत ही अच्छा था लेकिन वो नहीं हुआ था, वॉयलेशन वहाँ पर दिया गया था और उसी के चलते बॉल पोजेशन गवाया अपने अटैकिंग जोन में। दबाव पूरी तरह से इस समय बन चुका है उज़्बेकिस्तान के कोर क्लब पर, 36-28 का स्कोर। अंदर आने की कोशिश, 3-on-1 का डिफेंस, सुधीर उन्हें पकड़ के घर ना ले जाए वो।
नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही तगड़े लग रहे हैं वहां पे, चार पांच लोग चाहिए नीति उनको पकड़ने के लिए। इस बार जैसी नंबर 17 जंप करते हुए ओराम उनका थ्रो, लेकिन सफलता हासिल नहीं किए। बहुत सुंदर प्रयास तीन का टकिरोव, लेकिन कन्वर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेफ्ट विंगर है टीम में। और फास्ट पेस्ट फिलहाल चल रहा है, समय भी काफी नहीं है नीति, केवल चार मिनट का खेल। और लीड की बात करें तो डबल है यहां पे, आठ गोल का लीड है। एक और मौका गंवाया, अलाहली, और ये जबरदस्त ब्लॉक इस बार भी तेजी से फास्ट ब्रेक के साथ, लॉन्ग पासिस के साथ, ये मौका है, लॉब किया, नो चांस की प्रेशर वहां पर बनाने की कोशिश करते, लेकिन उन्होंने इजी लॉब किया, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। जोकीद जो है कन्वर्ट करने में सफल हुए, लॉन्ग पास लिया और फिर गोलकीपर के ऊपर से इजी कन्वर्जन। महफूज मुहाब जो कि कतर के लिए समय गोलकीपिंग कर रहे हैं, अलाहली के लिए उनको सब्स्टिट्यूट किया गया है। टीम के मेन गोलकीपर जो है वो अभी बेंच पर है, डॉस सेंटोस। फिर से एक बार वेव बनाने की कोशिश, 6-0 का डिफेंस, और ये गलती की, ये टर्नओवर हो सकता है, तेजी से अटेम्प्ट जरूर करेंगे। दिलशाद, इस बार नो कन्वर्जन, इतनी दूर से ये अटैक किया है और कन्वर्ट भी हो गया है कतर के लिए। कतर के ये अटैकर तेजी से गए और पेरीमीटर के भी दूर से उन्होंने ये अटेम्प्ट लिया। उदे इजाई कन्वर्ट करने में सफल हुए थे। सुधीर, एक और अच्छी चीज कतर टीम की ये है कि जैसे ही वो अपने जोन में अटैक कर कर आते हैं तो अपने डिफेंस में तेजी से वापस आते हैं और ओपोनेंट ऑफेंस को बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता जगह बनाने का। वही एक कारण है, सात गोल का डिफरेंस उनके पास है और इस बार गोल बनाने का प्रयास, लेकिन चूक गए, जैसे कि आपने कहा, फिर से वापस आ गए डिफेंडर्स। बहुत सुंदर ये प्रयास था। एक और पेनल्टी, जेंग्यूर ये पेनल्टी भी कन्वर्ट कर लिए, 30-39 का स्कोर। जरूर एक मेन टीम तो नहीं उतरी है इस प्रतियोगिता में, लेकिन बहुत ही अच्छा रहा। इसी के साथ यहां पर मैच की समाप्ति, 39-30 के स्कोर के साथ अल अहली कतर के इस क्लब ने जीत हासिल कर ली है। और इस दूसरे मैच में अल अहली की जीत, उन्होंने उज्बेकिस्तान के आर के ओ आर क्लब को 39-30 के स्कोर से शिकस्त दे दी है।